अब ये उठेगी कि नहीं ट्रैक्टर से, क्योंकि भरी भी है ट्रैक्टर तो उठा तो देगा। रेडियम तो अपनी आ गई, लेकिन मैं यहाँ सोच रहा हूँ इस पे पीछे वो लिखा दे क्या, पटेल फार्मिंग। क्या लगता है 855 इस ट्राली को उठा पाएगा नीचे से ऊपर? मतलब 50 कुंटल माल तो इसमें होगा ट्राली में, और 18 कुंटल समथिंग इसमें वजन है। अब जाके भाई इसमें बड़ी मुश्किल से हवा डाली, देख रहे हो। सोयाबीन की तो बाहर आ गई, अब वो गेहूं वाली को भी बाहर लाते हैं, थोड़ी घाम खाएगी। और ट्राली की हालत देखो कैसी है, इसको धोना भूल गए। बाकी सारी चीज़ें तो अपन साफ कर देते हैं, बट इसको धोना भूल गए। ये गेहूं, ये हो गई सोयाबीन, दोनों को मंडी हमारे यहाँ बंद चल रही है एमपी में, पूरे एमपी में मंडी बंद। बताओ ये थी अब तक कब की खाली हो जाती, बस मंडी बंद के चक्कर में खाली नहीं हो पा रही है। खाली होगी तो इसको धोना है और इसका ये ठीक करवाना। ढक्कन खुल गया और उसमें गेहूं भरा गया, ढक्कन खोल के गेहूं भरा गया, बताओ। और इसके आज रेडियम वाले ने बोला था कि मटका ये रेडियम आ जाएगी, उससे भी पता करना पड़ेगा, और हवा भी कम है इसमें। मौसम देखो भाई साहब कितना प्यारा मौसम है, और दोनों ट्राली हो तो तुम्हें पता ही है, अपन ने बाहर खोल दी मंडी, अपने एमपी की खुल नहीं रही, पता नहीं क्यों नहीं खुल रही, और कब खुलेगी, कब ये ट्राली हमारी खाली होंगी, आई डोंट नो। बाकी इसको मैंने कर दिया था इधर, क्योंकि इसकी बार लाइट मेरे को खोलनी है, जो थोड़ी सी वो टूटी है ना उसको सही करेंगे। और अभी फ़िलहाल तो मैं देखो दूसरे वाला घर जा रहा था, वहाँ से आऊँगा फिर दिखूँगा। और इसके साथ एक दिक्कत है, ये देखो ये आई थी, मतलब ये हमारी पहली गाड़ी है जो हमने नई ली, और उसके तीन दिन के अंदर इसको पंचर कर दी थी, और तब से इसको ऐसी बुरी लगी कि भाई ये पता नहीं पंचर होती रहती है। अभी देखो अगला टायर इसका बैठ गया, कभी पिछला बैठ जाता है, बाकी ये बहुत कम पंचर होती, बहुत कम, कोई भी चीज़ हो गई, जैसे कब पंचर हुए थे, गाड़ी हो गई, ट्रैक्टर, मेरे को याद ही नहीं, लेकिन ये भजन का घर पंचर होगा। और देखो इसमें एक तो चलो पंचर तो ठीक है, लेकिन ये पता नहीं रॉयल इनफील्ड वालों ने कैसा कलर देख रखा है, ये चीज़ें पता नहीं क्यों नहीं कोई बताता, सब बोलते हैं भाई ये अच्छा लेके, लेकिन जो चीज़ कमी है तो बताना चाहिए। अब देखो दिख रहा है इस पर स्क्रैच, क्लियर दिख रहा होगा तुमको, तो ये देखो। और जबकि मैं इसके ऊपर ये डाल के रखता हूँ, मुझे पता है कि इसको कुछ भी लगा थोड़ा सा भी तो इस पर स्क्रैच लग जाएगा, इतना बेकार कलर। और वहीं इसको दिखाऊँ तुम्हें कितनी पुरानी है, 11 साल, देखो शाइनिंग ही देखो कलर में, स्क्रैच तो है इसमें, चलो ये तो अब 11 साल हो गए, लेकिन उसको तो इतना कुछ अपन ने किया भी नहीं कि स्क्रैच लग जाए, फिर भी इससे तो ज़्यादा ही शाइनिंग है। पता नहीं क्या ही बकवास कलर पोत के दे रहे रॉयल इनफील्ड वालों, हैं कम से कम कलर तो मजबूत डाल के दो, इसको बार बार आओ और इसको डालो, नहीं तो इस पर फिर स्क्रैच लग जाएंगे, यहाँ तक कि कांच पे भी स्क्रैच लग गए। बताओ कांच पे पता नहीं स्क्रैच लगते कि नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कि लगते हैं। ये देखो इस पर स्क्रैच दिख रहे, एक भी स्क्रैच नहीं, सिंगल स्क्रैच नहीं। और इस पर देखो पता नहीं क्या क्या चीज़ बाबा सिर डाल के दे रहे इसमें। कोई बात नहीं बेटा, तू ढकी खड़ी रहे, तेरा पंचर हम जुड़ा देंगे, अभी फ़िलहाल चलते हैं इससे, इसका जुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को फिर दो बात सुननी पड़ेगी, अगर मैं ये गाड़ी लेके घूमूंगा तो पापा जी चचा जियों की आफत हो जाएगी, वो बोल लेंगे कि हमारी गाड़ी कहाँ गई। अब जाके भाई इसमें बड़ी मुश्किल से हवा डाली, देख रहे हो पूरा पसीना पसीना कर दिया इसने, इस पंप से हवा डाली, क्योंकि इसको पंचर चलाना क्या, तो चलेगी नहीं पंचर, पूरा टायर इसका एक साइड हो जाता है, ये वाली गाड़ी है तो चलो चल भी जाएगी, बट ये इसका पूरा टायर एक साइड हो जाता है, और ये सिर्फ रिंग पे चलती है, यहाँ से दिख रहा है अभी भी टेढ़ा, क्योंकि यहाँ से मैंने वहाँ से यहाँ तक लाया इतने में, इसको भी नहलाना पड़ेगा क्योंकि ये भी काफ़ी पुता पुतू गई बेचारी। चलो सबसे पहले तो पहुँचता हूँ फटाफट से, आज तो ब्लॉग नहीं अपना, मतलब एक दिन लेट मिलेगा ये वाला ब्लॉग तुम्हारे को, गर्मी भी तेज और वाईफाई की लाइन भी टूट गई, अभी इसका पंचर जुड़ाता हूँ सबसे पहले, फिर वीडियो डालते हैं। किसी ने सारी परेशानियों का पता नहीं, सारी परेशानियों को मेरा पता दे दिया, अब यहाँ से एक अपना कोई सा वाईफाई का तार है वो देख के उसको ठीक करवाना पड़ेगा। यार मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, अब इसका सबसे पहले पंचर बनवाता हूँ, वाईफाई बंद है, मत पूछो कितनी समस्या, उसी कारण आपको ये वीडियो लेट मिल गई है। पेड़ कटा हुआ दिख रहा, बस इसने ही कुछ ना कुछ लाइन को गड़बड़ किया होगा, बहुत बहुत मगजमारी करना पड़ रही है आजकल। और दोनों भाई अपने चले गए भोपाल, से पीछे दिख रही भाई तुम्हें जियो ऑफिस, जहाँ पे मैं एयरटेल की ई सिम बनवा रहा था, पर यहाँ पे नहीं होगी, जाना पड़ेगा उसके लिए हरदा। बताओ कितनी परेशानी, इसका पंचर तो मैंने बनवा लिया था, अब हो गई है सही, लेकिन मैं कब से परेशान हो रहा हूँ, कितने बज गई 5:28 हो गए, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरे को जाना पड़ेगा ई सिम के लिए हरदा। बताओ ट्राली को देखो भाई साहब,
कितनी नीचे बैठ गई है, और वो भी काफ़ी देर बाद बैठी। अब ये उठेगी कि नहीं ट्रैक्टर से, क्योंकि भरी भी है। ट्रैक्टर तो उठा तो देगा, पर ये ट्रैक्टर की वो इसके नीचे आनी चाहिए ड्राइवर पट्टी, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, 735 से उठाना पड़ेगा। बाकी अभी इतनी परेशानी चल रही मत पूछो। वाईफाई तो अपना चालू हो गया, अपना एक वन प्लस अपना वो ले गया, मनु जिसके बाल है लंबे लंबे तो उसने ले गया। तब दिक्कत ये है कि दोनों सिम इस आईफोन में डालना है, और इसमें दो सिम डलती नहीं, इसमें डलती है ई सिम। अब ई सिम में अपने यहाँ लोकल में पूरा घूम लिया भाई, कोई नहीं बनाता। इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा हरदा, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक सिम के चक्कर में। इसी चक्कर में वीडियो भी लेट हो रही, वाईफाई भी बंद था क्योंकि जियो की सिम डल नहीं रही, और एयरटेल की चल नहीं रही। एयरटेल में इतना वो है ही नहीं बेचारी में नेटवर्क कि वो डाल दे वीडियो। बाकी अभी जस्ट वाईफाई चालू हुआ है, तो जो मेरी पुरानी वीडियो उसको करता हूँ पहले सबसे अपलोड, और फिर मिलता हूँ भाई। आज तो पूरा परेशान हो लिया मैं। क्या लगता है 855 इस ट्राली को उठा पाएगा नीचे से ऊपर? मतलब 50 कुंटल माल तो इसमें होगा ट्राली में, और 18 कुंटल समथिंग इसमें वजन है। टोटल मोटा मोटा 65-70 कुंटल वजन होगा टोटल। आन देव ये का खोल के यहाँ से लगावा। रेस दे थोड़ी कि धीरे धीरे खुद ही उठाई रहा। लिफ्ट ही नहीं उठाई, मैं सोच रहा हूँ कि ये झटके मार रहा। बस नीचे रखा, आगे ले लो नहीं। रुक जाओ, ये नहीं जाग, रुक जाओ रुक जाओ, उठाई ले उठाई ले उठाई। भारी मेहनत के बाद लगाओ डबल से लिफ्ट। हाँ हाँ ये बेकार लग रहा। तो ट्राली में धड़धड़ आवाज आ रही, कमानी कुमानी तो नहीं सरक गई? आन दे, एक को तो गेहूं पे ही चढ़ा दी मैं, हो गया पसीना पसीना, हालत खराब। दोनों भाई साहब फोन भग गए भोपाल, अब मेरे से जो मैं उनसे करवाता था ट्राली खुलवाता था बार बार, अब मेरे को खोलने पड़ रही है। बताओ जैसी करनी वैसा प्लास्टर हो गया ये तो। आन दे, अंधेरा कितना यहाँ आया, देख रहे हो कैसे घिसाया जोर से। मैं कल भाई साहब कुछ काम हो पाया और न आज कुछ काम हो पाएगा शायद, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी मेरे को जाना था भाई साहब हरदा, जो मैंने तुमको बताया था कि मेरे को एक तो सिम भी पोर्ट करानी है, दो तीन काम दूसरे थे, जैसा कि अपना वो नहीं मिल रहा यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको ट्रैक्टर के लिए मडगार्ड का रेडियम, उन्होंने आज बोला था कि भाई आज तो तुमको कहीं से भी मैं बुला के दे दूँगा। वो भी मैं सोच रहा था कि आप उनसे नहीं लेते, बकरी हट जाए यार, वो भी मैं सोच रहा था कि भाई उनसे नहीं लेते, अपन खुद जाके मतलब हरदा से मैं ले आता हूँ और उनसे लगवा लूँगा। लेकिन आज भी फुल प्लानिंग थी जाने की, पर बीच में दूसरा काम आ गया तो मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरे को वापस आना पड़ेगा घर। आज बहुत बढ़िया काम था यार, मेरे सारे काम हो जाते ख़त्म, लेकिन नहीं हो पाएगा। पता नहीं क्यों परेशानी चल रही है, जो मैं सोच रहा हूँ वो तो हो ही नहीं रहा, दूसरे ही काम हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी आता हूँ मैं वापस एक छोटा सा काम ख़त्म करके, उसके बाद में देखते हैं अपने ट्रैक्टर का अगर सामान मिल गया जो पीछे के लाइट मज़ा आ जाएगा, वही मैं देखने जा रहा हूँ, एक बार पता करके आता हूँ फिर तुमको बताता हूँ। भाई साहब गाड़ी मैंने भी बहुत चलाई, बहुत मतलब दूसरी दूसरी, लेकिन भाई साहब ये ओल्ड मॉडल का तोड़नी है यार। देखो अब चार नंबर डाल दिया मैंने, इसको कोई मतलब नहीं। अभी अपनी छोटी होती वो फोर्ड फिगो भाई साहब, उसमें अगर तुमने बड़ा गियर डाल दिया, कोई सी भी हुई नहीं, जितनी भी उठा लो, बुलेरो ही उठा लो, वो भी मैंने चलाई, वो नहीं चलेगी। लेकिन इसका पता नहीं क्या ही सिस्टम है, इसको चलाने में बहुत मज़ा आता, खासकर बारिश में और खाली रोड है गांव के। भाई साहब इससे बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है। हाँ अब जब तुम इधर शहर सुहर में ले जाओगे तो ये थोड़ी सी बेचारी बड़ी होने के कारण दिक्कत देगी, इतनी फास्ट निकल नहीं पाती है। वैसे तो हमारे यहाँ इतना शहर है ही नहीं, रोड भी ऐसे हैं कि इसके लिए ही बने हैं ऐसा लगता है, और कम्फर्ट भी ठीक ठाक है, उतना तो नहीं है बट जैसी ये चलती है उस हिसाब से तगड़ी है, बहुत तगड़ी गाड़ी है। इसलिए इसको देने का ऐसा कभी विचार भी नहीं आया, आया था एक बारी पर वो फिर हमने इसको दी नहीं यार। ये बहुत प्यारी चीज़ है बलेरो, 735 हुआ ये हुआ, ये एक पहचान है कि यार ये गाड़ी अपने पे मतलब बहुत दिनों से, और इनको जितनी हो गऊ माता भी बहुत है,
जितनी अपनी फीगो को लोग नहीं पहचानते, जितने 855 को तो चलो ठीक है यूट्यूब के चक्कर में पहचान ले, लेकिन जो पुराने लोग हैं भाई साहब ये दो चीज़ों से पहचान लेते कि ये गाड़ी तो भैया उनकी जे। बताओ ये नमामी देवी नर्मदे लिखा ना, ये बहुत फेमस है। ये फीगो पे भी लिखवाऊंगा मैं कुछ टाइम बाद, और इस पे भी मैं पीछे पीछे कुछ कलाकारी दिमाग में तो मेरी बहुत सी चीज़ें ये करना, लेकिन समय की साली दिक्कत बन जाती है और मैं कर नहीं पाता। मैं कुछ कुछ दूसरे लफड़ों में लग जाता हूँ और मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता, लेकिन आज करूँगा, कोई बात नहीं। आज अपन आज एक कल ब्लॉग नहीं डाला, लेकिन अब कंटिन्यू करेंगे, डेली डालूँगा, फुल कोशिश कर दूँगा, मीटर खींच दूँगा और क्या चाहिए। और यहीं पे वो दुकान है जो अपने को रेडियम ला के देंगे, यहाँ पे ये वाली, ये दिख रही, ज़रा एक मिनट में पता कर लेता हूँ आ गई क्या। रेडियम तो अपनी आ गई, लेकिन मैं यहाँ सोच रहा हूँ इस पे पीछे वो लिखा दे क्या, पटेल फार्मिंग, यहाँ पे बढ़िया लगेगी, झकाझक झकाझक लगेगी, झकाझक। और उससे एक फायदा और ये है कि एक आध दो ने भी सब्सक्राइब किया तो एक आध सब्सक्राइबर तो बढ़ जाएगा, हैं, समझ रहे हो, सब्सक्राइबर बढ़वाने की स्कीम समझ रहे हो। ये हालांकि पहले करनी चाहिए थी जब अपने कम सब्सक्राइबर थे, मतलब अभी भी कम ही है, कौन से वो होगा, लेकिन पहले लगानी थी। अभी भी अपन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर दोनों गाड़ियों पर लगाएंगे सेम से बनवा के, पटेल फार्मिंग बढ़िया से लिखा के कुछ डिज़ाइन बनवा के फिर लगूंगा मैं, है ना। यो एक काम और बढ़ गया मेरे लिए, ये भी मेरे को करना, बताओ करना बहुत कुछ है, साला कब होगा ये नहीं मालूम, ब्लॉग कब बनेगा, कब डलेगा, क्या सूट हो रहा है, आई डोंट नो। एक तो देखो पहले मैं आराम से ब्लॉग बनाता था, दोनों भाई थे अपने आप पे, दोनों चले गए, तो दो दिन से तो मेरी को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या कर लूँ। नजरों ही नजरों में साले कुत्ते भी पूरे अपनी गाड़ी के नीचे क्यों आ रहे हैं, नजरे ही नजरों में मैंने विजय भैया की दुकान भी देखी साइड से कि अपने को वहाँ भी कुछ कराना है ट्रैक्टर में। एक तो देखो सीजन सामने आने वाला है, तो अब जो भी करना है ट्रैक्टर में वो करना है भाई साहब जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी के चक्कर में अपने से कुछ हो ही नहीं पा रहा, समझ रहे हो दिक्कत क्या है, कुछ हो ही नहीं पा रहा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, सीजन आएगा, सोयाबीन कटवाना है। वो भाई बोल रहे थे ना, दो तीन भाइयों का मैंने मैसेज देखा कि तुम ऐसे ऐसे ट्रैक्टर में कुछ कुछ करते हो, तुम्हारे घर वाले नहीं चिल्लाते नहीं है, लेकिन जब उनको ट्रैक्टर की जिस दिन जरूरत पड़ गई कि आज उनको ट्रैक्टर चाहिए और फिर उसमें कुछ भी दिक्कत है, चाहे वो मेरी वजह से ना हुई हो तो भी सुनना मेरे को पड़ेगा, ऐसे चिल्लाते, वैसे नहीं चिल्लाते, वैसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब उनको चाहिए तब चाहिए भैया, तब ला के दो, कहीं से भी दो, सही करके दो, और चलना चाहिए बढ़िया, ये सिस्टम है। तो पुन्ना जी ऋषि पंचमी में तो भाई हो उपास रहे नहीं, ये राधे श्याम तू भी उपास है कहीं आज, उसके बाद तीन दिन तक, वाह राधे श्याम तू तो कहीं करोगे वही जिंदगी में, राधे श्याम तो कहीं करोगे मन की जीवन में, अच्छा है। सही है, कुछ कर गुजरेगा वो, ये क्या बात, ये तो लाख रुपए की बात तो कह दी यार, और वो गाड़ी को लाइट क्यों जल रहा है यार, और लखन भैया न जाने किस चीज़ में परेशान है, वो देखो गुफा में पहुँच गए, पता नहीं लखन भैया क्या ही करके मानेंगे, और ये ब्लॉग नहीं डाल रहे ऐसा मैंने सुना है, मतलब मैंने सुना है क्या, उनका फ़ोन हमने भोपाल छोड़ के आ गए थे, जो बहुत लंबे समय के बाद सुधरा, तो अब वो है ना सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहे हैं और ज़िंदगी के मज़े ले रहे, वो भूल गए कि उनका कोई चैनल था, अभी मैं याद दिला देता हूँ फिर वो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपनी बार लाइट भी मैंने उतार दी, बताओ सेम जियो ऑफिस में हम बैठे हैं देखो, जहाँ मैं कल आया था, लेकिन मेरा काम तो हुआ नहीं, फिर लखन भैया का तो हो जाएगा, वो देखो क्या पोज मार रहे, क्योंकि अपने पास एयरटेल की सीम है, एयरटेल के लिए तो कहीं जाना पड़ेगा पता। अभी जस्ट भाई हम आए अपने बो वाले घर से, खाना खुना खा के, और यू ट्रैक्टर सोच रहा कि मैं यहीं पे खड़े रहूं, मेरे साथ तुम कुछ करोगे या फिर मैं अंदर जाके खड़ा हो जाऊं, मेरे को तुमने आज ऐसे बाहर निकाल दिए। बाकी लखन भैया और हम बो वाले घर चले गए थे अपने दूसरे वाले, और ऐसा खाना खुना खा के हम आ गए वापस। अब मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि देखो टॉमी सोगा, दोपहर का टाइम है, एक बज गई, तो अब हम भी सोएंगे, जब टॉमी सो सकता है तो हम भी तो सोना पड़ेगा भैया, हैं। आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जयराम जी की।